डियर स्टूडेंट, एट टाइम्स हमारे पास इस तरह की सिचुएशन होती है कि हम लोगों को यूज़र की रिक्वेस्ट को रीडायरेक्ट करना पड़ता है। लेट्स से यूज़र एक वेब पेज को विज़िट करता है, अब वो वेब पेज हमारे पास वहाँ से मूव हो गया, उसकी जगह हम लोगों ने एक नया वेब पेज क्रिएट कर दिया, तो हम लोग क्या करेंगे कि यूज़र को रीडायरेक्ट कर देंगे। तो अगर हम लोगों ने रिक्वेस्ट को रीडायरेक्ट करना है तो लारावेल उसके लिए हमारे पास मुख्तलिफ ऑप्शंस देता है। लेट्स सी हाउ वी कैन यूज़ देम। लेट्स से कि हमारे पास अगर यूज़र एक यूआरआई को ओपन करता है, हम लोग उसे किसी नए यूआरआई पे भेजना चाहते हैं, तो उसके लिए हम लोग राउट कॉलन कॉलन गेट यूज़ कर लेते हैं। वी हैव मल्टीपल ऑप्शंस फॉर दैट। गेट को हम लोग यूज़ करके लेट्स से हमारे पास यूआरआई जो है वो टेस्टिंग पर्पजेज के लिए हम लोग रीडायरेक्ट स्लैश जो फर्स्ट पे है हमारे पास रीडायरेक्ट करने का, इट इज़ कॉल्ड हेल्पर। हेल्पर के थ्रू हम लोग रीडायरेक्ट करते हैं और इसके अंदर हम लोग जो है ये हमारे पास यूआरआई आ गया। अभी अगर हम लोग इस फाइल को हम लोगों ने अभी सेव नहीं किया, अगर हम लोग ये करते हैं कि हमारे पास एप्लीकेशन है स्लैश रीडायरेक्ट स्लैश हेल्पर हेल्पर, तो हमारे पास जो है वो 404 नॉट फाउंड की ऑप्शन आनी चाहिए क्योंकि अभी तक इस पेज को हम लोगों ने हैंडल नहीं किया। अब हम लोग क्या करते हैं कि इसके लिए हम लोग यूआरआई लिखते हैं गेट फंक्शन पे, कि इस यूआरआई पे जब गेट की रिक्वेस्ट आए, और फिर यहाँ पे हम लोग एक क्लोजर को यूज़ कर लेते हैं फंक्शन, और क्लोजर के अंदर हम लोग ये कहते हैं रिटर्न रीडायरेक्ट। रीडायरेक्ट के हम लोग फंक्शन को यूज़ करते हैं और सिंपली से स्पेसिफाई कर देते हैं टू कि हम लोग रीडायरेक्ट किस जगह पे करना चाहते हैं। लेट्स से रूट पे हम लोग या होम पे हम लोग रीडायरेक्ट करना चाहते हैं तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे। तो अब इससे क्या होगा कि जब हमारे पास यूज़र ये यूआरआई ओपन करेगा तो वो किस पे रीडायरेक्ट हो जाएगा, होम पे रीडायरेक्ट हो जाएगा। अगर हम लोग यहाँ पे अबाउट लिखते हैं तो वो अबाउट पे रीडायरेक्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे स्पेसिफाई कर सकते हैं कि यूज़र को हम लोगों ने इस पर्टिकुलर रिक्वेस्ट के लिए कहाँ पर रीडायरेक्ट करना है। तो हम लोग इस पेज को रिफ्रेश करते हैं तो अब हमारे पास रीडायरेक्शन होके होम पेज पर हम लोग आ गए, राइट। तो दिस वॉज वन वे ऑफ रीडायरेक्टिंग। इसको हम लोग फर्दर शॉर्ट कर सकते हैं, लेट्स कॉल इट शॉर्टकट मेथड। शॉर्टकट मेथड के अंदर क्या करेंगे कि वी डोंट नीड टू कॉल द टू फंक्शन, हम लोग सिंपल जो है वो यहाँ पे ये बता देते हैं कि रीडायरेक्ट किस पेज पे रीडायरेक्ट करना है, तो वी कैन डायरेक्टली यूज़ द शॉर्टकट। तो हमें वो टू लिखने की ज़रूरत नहीं है, बस जिस पेज पे रीडायरेक्ट करना है वो हम लोग लिख देते हैं। अब यहाँ पे अगर हम लोग रीडायरेक्ट स्लैश शॉर्टकट लिखते हैं तो इस यूआरआई के अगेंस्ट दोबारा फिर हम लोग होम पे चले गए। देर इज़ अनदर मेथड जिसके अंदर हम लोग जो है वो रीडायरेक्ट की क्लास यूज़ कर लेते हैं और उसका स्टैटिक फंक्शन हम लोग यूज़ कर लेते हैं टू का। तो यहाँ पे हम लोग ये कहते हैं रीडायरेक्ट, हमारे पास क्लास होगी और इसका स्टैटिक फंक्शन हो गया हमारे पास टू का, और फिर हम लोग उसे पाथ दे देते हैं, इस पाथ पे जो है वो हम लोग रीडायरेक्ट करना चाहते हैं। और लेट से इसे हम लोग पैकेट कह देते हैं, यहाँ पे पैकेट पैटर्न यूज़ कर रहे हैं हम लोग। तो अगेन हम लोग उस पेज से रीडायरेक्ट होके यहाँ पे हो गए, यहाँ होम पेज पे आ गए। एंड लेट सी अ वेरी शॉर्ट मेथड। अगर हम लोगों ने किसी एक यूआरआई पे रीडायरेक्ट करना है, डजेंट मैटर कि हमारे पास उसके ऊपर रिक्वेस्ट कौन सी है, मेथड कौन सा यूज़ हो रहा है, तो हम लोग राउट कॉलन कॉलन रीडायरेक्ट। राउट के अंदर भी डायरेक्टली हमारे पास एक रीडायरेक्ट का फंक्शन है, इसके अंदर हम लोग यूआरआई स्पेसिफाई कर देंगे और फिर हम लोग इसके अंदर स्पेसिफाई कर देंगे कि किस पाथ पे रीडायरेक्ट करना है। तो हम लोग इसको कह देते हैं कि जी रीडायरेक्ट स्लैश राउट। अगर ये यूआरआई ओपन हो तो फिर हम लोग होम पेज पे चले जाएं, होम व्यू पे चले जाएं। तो ओके, इट सेज दैट रीडायरेक्ट डजंट एग्जिस्ट। तो इसको हम लोग अगर देख लें तो आई थिंक इसके अंदर हमारे पास जो है वो स्पेलिंग की मिस्टेक है, रीडायरेक्ट राइट। तो ये हमारे पास रीडायरेक्ट होगा, वी डिड अ स्पेलिंग मिस्टेक। हम लोग रिफ्रेश करते हैं, रीडायरेक्ट स्लैश राउट से भी इस जगह पे आ गया। एट टाइम्स ये भी होता है कि हम लोगों ने जो रीडायरेक्टेड पेज है उससे हम लोग कुछ पैरामीटर्स पास करना चाहते हैं,
तो उसके लिए हम लोग राउट का फंक्शन यूज़ कर सकते हैं। वो हम लोग कैसे यूज़ करेंगे, राउट कॉलन कॉलन गेट, और इसके अंदर हम लोग रीडायरेक्ट लेट्स से पैरामीटर्स कह देते हैं कि जब क्यू आर आई पे हैं तो हम लोग फिर जो है वो एक और पेज पे चले जाएं, लेकिन साथ में वहाँ पे हम लोग पैरामीटर्स भी पास करना चाहते हैं। यहाँ पे हमें क्लोजर यूज़ करना पड़ेगा, यानी अदर वर्ड्स एनोनिमस फंक्शन यूज़ करना पड़ेगा, और उसके अंदर जो है वो हम लोग ये लिख देते हैं रिटर्न रीडायरेक्ट, रीडायरेक्ट का फंक्शन यूज़ करते हैं, उसे राउट करते हैं। अब राउट का जो फंक्शन है वो हमारे पास कुछ पैरामीटर्स लेता है। पहला जो पैरामीटर है वो ये है कि हमारे पास कौन सा हमारे पास व्यू ओपन होना चाहिए। तो यहाँ पर हम लोग यूज़र डॉट शो लिख देते हैं, और फिर उसके बाद हमारे पास यहाँ पे जो डेटा पास करना है वो हम लोग पास कर सकते हैं। लेट्स से इसे हम लोग नेम, और हम लोग ये कह देते हैं कि यहाँ पे अब क्योंकि यूज़र के लिए हम लोगों ने कोई व्यू जो है वो हम लोगों ने क्रिएट नहीं किया हुआ, तो इसके लिए जो है वो हम लोग एक नेम क्रिएट कर लेते हैं यूज़र्स। यहाँ पे हम लोग ये कहते हैं कि ये जो यूज़र्स है इसके पैटर्न के बाद हम लोग इसका नेम स्पेसिफाई कर देते हैं कि इसका जो हमारे पास नेम है वो हमारे पास यूज़र्स डॉट शो है। तो यहाँ पे इसका नेम स्पेसिफाई कर देंगे और राउट के फंक्शन में हम लोग उस नेम को यूज़ कर लेंगे। और यहाँ पे हम लोग खैर इंडेक्स का फंक्शन इन्वोक कर रहे हैं, हम लोग इसका नेम जो है वो डायरेक्टली हम लोग नहीं लिख रहे, पहले जो हम लोगों ने एग्जांपल की थी उसके अंदर हम लोग उसके नेम को यूज़ कर रहे थे। तो लेट्स सी इफ वी स्टिल हैव इट। ओके थिंक वी हैव ओवररिटन इट। तो द मेन थिंग इज़ के जो हमारे पास यहाँ पे व्यू होगा या जो कंट्रोलर होगा या जो हमारे पास राउट है हमारे पास, उसके अंदर हमारे पास ये जो वेरिएबल है नेम, इसके अंदर ये वैल्यू रिसीव हो जाएगी अली की। तो फॉर टाइम बीइंग जो हमारे पास एग्जांपल है उसके अंदर हम लोग इस वैल्यू को यूज़ नहीं कर रहे, लेकिन अगर हम लोग वहाँ पर जाएँ तो डॉलर साइन नेम से हम लोग इस वैल्यू को यूज़ कर सकेंगे। तो लेट्स सी इफ इट इज़ वर्किंग। यूज़र कंट्रोलर पर हम लोग चले गए और फिर वहाँ पे जाके हम लोग अगर चाहें तो उसको पैरामीटर को रिसीव कर सकते हैं।